हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू लेट्स स्कोर 100। दोस्तों, कल जो आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बेसिकली ये वीडियो जो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स प्लस लिटरेचर, जो हमारा 26 मार्क्स का आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए एंड मैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊँगा इन दोनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए, जो आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग ये करेंगे, देखिए इनका वेटेज देख लीजिए। रीडिंग स्किल जो आपका पहला सेक्शन होगा क्वेश्चन का, इसमें 22 मार्क्स आते हैं। एंड एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि अगर आप रीडिंग स्किल को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप कम से कम इसमें, मैं आपको बताऊँ, 18 मार्क्स तो आप पा ही सकते हो, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि 22 में से 22 मार्क्स मिल जाएँ तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको भी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले लिटरेचर को हम लोग टेकअप करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिटरेचर में आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ के जाने हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। और सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ करके भी आप 26 ला सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिटरेचर सेक्शन देखते हैं। लिटरेचर सेक्शन देखिए आप लोग ध्यान से, आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का लिटरेचर सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 8 होता है। उसमें ए बी सी आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, तीन में से केवल दो आपको करना होता है। और ये दोनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होते हैं। यानी लिटरेचर सेक्शन का जब पहला लिटरेचर सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, और उसमें आपको केवल दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 8 नंबर मिलेंगे 8 मार्क्स के। तो आइए देखते हैं। और इसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि कितने चैप्टर्स करने हैं, सारे नहीं करने हैं, आई अश्योर यू, ध्यान दीजिए। चलिए ये देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको पैराग्राफ दे दिया। ये तो बेसिकली हमारा पोयम है। बेसिकली आप लोग जानते हैं, देखिए एक तो एक पैराग्राफ आपका फिक्शन से आएगा, एक पोइट्री से आएगा और एक ड्रामा से आएगा, राइट। लेकिन करना आपको कितना है, करना आपको केवल दो है, राइट, यानी 8 मार्क्स की। अब ध्यान दीजिए, इसी में हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं। द स्नेक, एक बार क्लीन कर देता हूँ। द स्नेक, ये देखिए द स्नेक कहाँ से आया है, द स्नेक, ये देखिए पोइट्री का द स्नेक, ये वाला लास्ट पोयम। उसके बाद फिर ये हमारा जूलियस सीजर से आया है, जो कि ड्रामा है। ये देखिए जूलियस सीजर से आया है ये पैसेज। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी है वो आया है अपना फिक्शन का पहला चैप्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। लेकिन दोस्तों हमें करना तो केवल दो ही है, राइट। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले बता दूं आपको, ड्रामा में ये दोनों ही आपको करें, द डियर डिपार्टेड एंड द जूलियस सीजर। इसमें कोई चॉइस मैं आपको नहीं बता सकता, राइट। तो ये इसमें दोनों ही करने पड़ेंगे। बट हाँ, फिक्शन में और पोएम में मैं आपको बता सकता हूँ, बता भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए, उसके लिए ट्रिक काम करेगी। आपको केवल, ध्यान दीजिए, आपको केवल फर्स्ट 4 चैप्टर करने हैं। पोएम में तो आप फर्स्ट 3 कर सकते हैं। पोएम में आप केवल फर्स्ट 3 चैप्टर करके जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ड्रामा में आपको ये जूलियस सीजर और द डियर डिपार्टेड दोनों करके जाना है। चलिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो 2 मार्कर आता है, आता तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन करने आपको केवल 5 होते हैं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। Now we'll see question number 9, and question number 9 is this. ये रहा हमारा question number 9, ध्यान दीजिए question number 9, इसमें total 6 question आएंगे। आप देख सकते हैं एनी 5 हमें करना है out of 6 question, and ये 30-40 words, word limit का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है, सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आइए देखते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिर एक बार आप लोगों को चाहता हूँ फिर से ध्यान दे लीजिए। एनी 5 करना है आउट ऑफ 6, 30-40 words में, यानी आपके बोर्ड के आंसर शीट में केवल आप 5 या 6 लाइन, मैक्सिमम 5 या 6 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन पढ़ूंगा टाइम लगेगा, आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपके पास टाइम वैसे ही कम है। जो पहला क्वेश्चन है देखो, ओज़िमेंडियास, ये अपना पोएम आ गया, पोएम नंबर 3, राइट। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया है, द लेटर, ये देखिए फिक्शन का चैप्टर नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आया है, द शेरी प्लॉट,
अ शेरी प्लॉट, फिक्शन का चैप्टर नंबर 4। उसके बाद पटोल बाबू आप लोग जानते हैं, ये फिफ्थ फिक्शन का। इन द स्टोरी वर्चुअली ट्रू, राइट, इसमें किस चैप्टर से आया है हमारा ये वर्चुअली ट्रू, ये देखिए रहा फिक्शन का चैप्टर नंबर 6, राइट। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द डियर डिपार्टेड, द डियर डिपार्टेड, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ड्रामा में से आपको द डियर डिपार्टेड और जूलियस सीजर में कोई चॉइस नहीं, आपको पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा करके जाना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे भी देखिए, मैं फिर से बोलूँगा आपको कि जो आपका 2 marker 5 question करने होता है, यानी पूरे 10 marks आपको मिलेंगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 चैप्टर करके जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट 4 आप फर्स्ट 4 करके जाइए, पोएम में फर्स्ट 3 करके जाइए। अब वैसे भी अगर आप देखें 5 question करना है, देखिए 1 question यहाँ मिल गया, 2 question आपका यहाँ मिल गया और 1 question हमें, तो 2 × 3 = 4, राइट, इस तरीके से इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, आप इतना करके जाए। बाकी का अगर आप चाहें तो बाकी का एक बार समरी आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन रहा आपका, ये क्वेश्चन नंबर टेन में अगेन 150 वर्ड्स का आएगा और 8 marks का है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप लोग पिछली क्लासेस में ऐसे वगैरह लिखते थे ना, तो ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन, बेसिकली 3 to 4 पैराग्राफ लिखना है। और आपको चूँकि 150 वर्ड्स का है, तो तकरीबन आपका 15 to 16 लाइन्स आप इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन आया, किस किस चैप्टर से। इसमें क्या होता है कि आजकल लॉन्ग आंसर्स में किसी एक चैप्टर से नहीं आता, 2 chapters को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का हम पहला पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें भी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें भी चॉइस है, इस चॉइस की वजह से ही आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 questions इन 150 वर्ड्स। पहला देखें, इवन दो बोथ द फ्रॉग एंड विक्रम सेठ्स पोएम, ये देखिए आपका पहले ही पोएम पोइट्री की, द फ्रॉग। उसके बाद दूसरा क्या है, द डियर डिपार्टेड, ये आ गया आपका द डियर डिपार्टेड। इसलिए मैंने आपको बोला कि ड्रामा को आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, कोई चॉइस ही नहीं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका मैरिनर, ये देखिए एंशियंट, ये देखिए ये मैरिनर को कंबाइन किया है, और दूसरा मिसिस पैकलटाइड, ये देखिए आपका ये रहा फिक्शन का चैप्टर नंबर 2। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं बोलूँगा कि ड्रामा में दोनों आपको करके जाना है, फिक्शन में फर्स्ट 4 chapters, पोएम में फर्स्ट 3 poems करके जाइए, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नाउ विल मूव टू द रीडिंग सेक्शन। ये देखिए रीडिंग सेक्शन बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ उसके बाद पैसेज को पढ़ूँ, कुछ लोगों को लगता है कि भाई पहले पैसेज पढ़ लूँ फिर क्वेश्चन पढ़ूँ, तो दोनों अप्रोचेस ठीक हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोच आपको सूट करता है, बट कहीं ना कहीं बेहतर ये होगा कि एक बार ना आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिकली पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो खटाखट आपको याद आता जाएगा। आजकल देखिए जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखिए सब अलग अलग करके आता है, ABCD, तो क्या होगा जब एक बार अच्छे से टोटैलिटी में, यानी अच्छे से पूरी, मतलब इस पर्टिकुलर पैसेज में किस चीज़ के बारे में या क्या टॉपिक डिस्कस कर रहा है, एनवायरनमेंट पे बात कर रहा है, पोल्यूशन पे बात कर रहा है, करप्शन पे बात कर रहा है, या इंटरनेशनल या टेररिज्म पे बात कर रहा है, उसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखें, खटाखट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात बता दूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो CBSE के इवेल्युएटर्स होते हैं वो भी यार उनके अंदर भी दिल होता है, वो भी इंसान होते हैं। अगर मान लीजिए एक आध दो नंबर से कोई रुक रहा है तो उसको निकाल ही देते हैं, बट आप आंसर शीट में आप क्वेश्चन अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ के आओगे तो देर विल बी नो ग्राउंड टू पास देम। तो पर्सनल लेवल पे बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, रिलेटेड बातें लिखनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहा है कुछ और किसी चैप्टर की बात लगा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, रिलेटेड बातें लिख के आए, आप डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे और डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप जो लोग पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं डेफिनेटली पास हो जाओ, क्योंकि मार्किंग स्कीम बहुत ही लीनियंटली होती है। क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन पेपर बताएं, आप लोगों से शेयर करना चाहूँ, क्वेश्चन पेपर आजकल 60% क्वेश्चंस बहुत आसान बनते हैं, राइट, क्योंकि एग्जाम का जब रिजल्ट आता है बच्चे पंखे पलटने लगते हैं, है ना।
तो इन सब बातों को रोकने के लिए 60% क्वेश्चन जो आएगा बहुत ही आसान आएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रॉमिस यही आपको करनी होगी कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और एक और चीज़, अब देखिए आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उसे देखो आजकल तो ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर एक चीज़ और हो सकता है कि आपको जब पहली बार आप पैसेज पढ़ें तो आपको लगे नहीं समझ में, पहली बार क्वेश्चन पैसेज पढ़ के जब क्वेश्चन पढ़ेंगे लग रहा आपको नहीं आया, घबराना नहीं है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार। अब आप कहोगे सर एग्जाम में इतना टाइम कम होता है, उसका सलूशन बता रहा हूँ आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का भी और क्वेश्चंस का भी। इसके अलावा आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके अलावा ये जो पैसेज मैंने प्रोवाइड किया है, एक तो क्वेश्चन ये आपका पैसेज का पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो 12 मार्क्स का होगा, दूसरा भी पैसेज होगा जो 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 22 मार्क्स रहा। 22 में 18 to 20 तो आप आसानी से ला सकते हो। बेसिकली 2 से 3 बार आपको पैसेज को पढ़ना है, पहले एक बार पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ा, है ना। तो 3 बार से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कर लेंगे आप, राइट। हाँ, ये तो ये वाला पैसेज हो गया। एक और जो दूसरा वाला जिसमें जो 10 मार्क्स का होता है, इसको देख लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें पता है इसको पढ़ने बहुत कम टाइम लगेगा आपका, क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में है। ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट, इनसे इसी तरह का दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही आसान होता है ध्यान से पढ़ना, थोड़ा एनालिटिकल होता है, यानी आपको कंपेयर करना पड़ेगा दो में क्या फ़र्क है ये देखना पड़ेगा, बट हो जाएगा, पहले वाले से कम टाइम लेगा ये, 2 से 3 रीडिंग इसकी भी लगाइए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा 2 पैसेज पे बेस्ड 2 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कल ही पेपर है, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिल जा रहा है। इसके अलावा दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब पैसेज बेस्ड पहले क्वेश्चन के और जो दूसरा क्वेश्चन है 2 उसके सॉल्व, यानी टोटल अगर आप 4 सॉल्व कर लेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं, 18 से 20 नंबर इजीली आप आ जाएंगे। एंड दोस्तों इसी तरह की कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़कर भी आप SST के मैप में फुल मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हिस्ट्री में आपको तो केवल एक ही चैप्टर से मैप पढ़ के जाना है, उसी तरह जो आपका ज्योग्राफी का मैप वाला चैप्टर है उसमें पूरे टोटल 6 हैं, लेकिन पूरे 6 चैप्टर्स पढ़ के नहीं जाने हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप केवल 4 चैप्टर्स भी पढ़ के जाएंगे तब भी ज्योग्राफी के पूरे 3 मार्क्स आप ला सकेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम टुमारो। और घबराना नहीं है, पेपर को खूब बढ़िया ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़िए। एक बार मैं नहीं समझना रहा तो दोबारा भी अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, घबराइए मत, इंग्लिश आसान होती, कर लेंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। चलिए।